जिला विकास प्राधिकरण द्वारा अंबेडकर जयंती को लेकर पार्क में लगभग 70 लाख रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन बात की जाए कार्यों की तो पदाधिकारियों का आरोप है कि केवल पार्क में लगी लाइट और फव्वारों पर ही जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा पार्क में लगी प्रतिमा के नजदीक बह रहे नाले के कारण जमीन धंसी हुई है, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अभी तक उस ओर किसी भी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया है। अध्यक्ष आशीष प्रिंस का कहना है कि आयोजन में चंद दिन ही बचे हैं, लेकिन पार्क के नजदीक से जा रहे नाले की जमीन धंसी हुई है। 14 अप्रैल पर लाखों की संख्या में अनुयायी आते हैं, कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। ऐसे में धंसी हुई जमीन को कवर करने के लिए बैरिकेडिंग किया जाना चाहिए। भाई मैं SB दिनकर, समाज सेवी आगरा और अम्बेडकर नवायुक्ता फाउंडेशन का संयोजक हूँ। आज औचक निरीक्षण पर आए थे कि अम्बेडकर पार्क में क्या तैयारियाँ, अभी ऐसा लग रहा था कि धीमे चल रही हैं, लेकिन अभी इनका ठेकेदार आश्वासन दे रहे हैं कि अम्बेडकर जयंती से पहले सारी कमियाँ पूरी कर जाएंगी। काम तो खैर चल रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, और लग रहा है कि हो जाएगा काम, लेकिन जितनी स्पीड से होना चाहिए उतनी स्पीड से नहीं हो रहा, थोड़ी धीमी गति से हो रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर पार्क में जो काम हो रहा है उसको बहुत तेज़ी पकड़ी जाए, जिससे कि हमारा 10 तारीख से लोग बाहर से आगरा आना शुरू हो जाते हैं अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए, तो 10 तारीख तक कम्प्लीट काम हो जाए, तो ये पार्क ऐतिहासिक पार्क है आगरा की, और इसकी शोभा बढ़े और सब लोगों को एक अच्छा संदेश जाए। धन्यवाद। आशीष प्रिंस, डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन अध्यक्ष। क्या क्या कार्य पूरे हुए, क्या क्या अधूरे पड़े? देखिए, आज हम जो है बिल्ली के चौराहे पर जो अम्बेडकर पार्क बना हुआ है, बहुत ही भव्य और खूबसूरत बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन आज हम यहाँ निरीक्षण के लिए आए हैं। तो काम तो चल रहा है, लेकिन लाइटिंग वगैरह का काम चल रहा है, लेकिन आप मेरे पीछे ठीक पीछे देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा नाला खुदा हुआ पड़ा है। इस पर बिल्कुल भी किसी कर्मचारी किसी का कोई ध्यान नहीं है। अगर 14 अप्रैल पर यहाँ लाखों लोग मेला देखने आते हैं, मनाने आते हैं, क्योंकि यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है, मर जाता है, तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। इसको लेकर के सबसे ज़्यादा मेन अगर विकास किया जाए तो सबसे पहले इसको बंद किया जाए, इसकी बैरिकेडिंग किया जाए। हाँ, इस बात को हम लोगों ने आज निरीक्षण किया है, अब ये हमको हमारे संज्ञान में आया, इसको लेकर हम अधिकारियों से, नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत करेंगे और इसे जल्द से जल्द इसे ठीक कराने का काम करेंगे पहले हम लोग। सुधीर मानव नाम है मेरा। हम लोग यहाँ अपनी टीम द्वारा औचक निरीक्षण पर आए हैं, जिसमें हमारी वार्ड 1 से महिला पार्षद भी आई हुई है। हम लोगों ने देखा है यहाँ कि ऊपर का काम होते हुए दिख रहा है, जिसमें लाइटिंग का है और थोड़ी टूट वूट है वो होती हुई दिख रही है, लेकिन मेन जो जड़ है यहाँ पूरा नाला के लिए पूरी खुदा हुआ है। इसमें हमारे यहाँ लाखों अनुयायी आते हैं और रात में कोई बड़ा हादसा ना हो, इसलिए हमने मीडिया के थ्रू बोला है और शासन प्रशासन को चेताया है कि इसे इसका जल्द से जल्द समाधान करें, ना तो ये पार्क खोलें फिर, ना फिर ये नाला ठीक कराए पहले। अरे भाई, इसमें पार्क में बहुत कमियां थी, 2012 से ही काम हुआ था, जब बंजारी सरकार थी जब का काम हुआ था। इसके बाद हमने बहुत प्रयास किया है, तो भाग दौड़ करिए, हमने तो हमारी सरकार ने सुनी है और ये हमारा काम अच्छी तरह से चल रहा है। किस तरह का आयोजन होने जा रहा है? अच्छा होने जा रहा है और बढ़िया काम, कार्यकर्ता भी अच्छी है हमारे और ये काम भी अच्छा हो रहा है हमारा, और इस समय पार्क भी हमारी बहुत अच्छी हो रही है, रौनक सबसे अच्छी है हमारी सरकार के द्वारा, ऐसी बात नहीं है, सरकार ने हमारी मदद करी है। SB दिनकर व सुधीर मानव ने बताया कि बाबा साहब का ही मेला शोभा बढ़ाता है, लेकिन पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ठेकेदार ने बताया कि 70 लाख की लागत से पार्क में लाइट फव्वारे लगाए जा रहे हैं। DG महाराजा न्यूज के लिए आशीष पाराशर की रिपोर्ट।